इस फिल्म की कहानी एक ऐसे हरामी बच्चे पर आधारित है जिसके अंदर घपाघप करने की इतनी आग भरी पड़ी होती है कि वो अपनी माँ के साथ साथ उसकी सहेलियों को भी रगड़ डालता है। इसके बाद वो बच्चा और क्या क्या कारनामे करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द लिटिल मैन और ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक कैदी एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब वो कैदी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके डर से जेल के बाकी सारे कैदियों की पैंट गीली हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसे बोलते हैं अब तुम्हारा इस जेल से निकलने का टाइम आ गया है। फिर इसके बाद वो कैदी को इस जेल से रिहा कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो खूंखार कैदी सिर्फ 1.5 फुट का है और उसका नाम छोटा छतरी है। फिर कुछ देर बाद उसे लेने वहाँ उसका दोस्त काला कांडी आता है और वो दोनों कार में बैठ के घर जाने लगते हैं। रास्ते में छोटा छतरी काला कांडी को बोलता है कि अब उसे पैसे कमाने हैं इसीलिए उसे एक नौकरी की जरूरत है, पर इस पे काला कांडी उसे बोलता है कि उसके पास एक ऐसा काम है जिसको पूरा करने पे उनको $1,000,000 मिलेंगे और उसको करने के बाद उन्हें पूरी जिंदगी और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब इतने पैसों के बारे में सुनकर छोटा छतरी भी हैरान हो जाता है और वो काला कांडी को बोलता है कि वो ये काम करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम कालिया होता है और वाइफ का नाम चटकी होता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी कालिया के काले पिचकारी में इतना दम नहीं था कि वो चुटकी को माँ बना सके और इसी वजह से वो दोनों काफी परेशान रहते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसके बाद हम काला कांडी को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आता है और छोटा छतरी को बताता है कि हमें यहाँ से एक डायमंड चुराना है। अब इसे सुनकर छोटा छतरी उसे एक जोरदार चमाट मारता है और बोलता है कि साले चूतिए, अभी तो मैं जेल से बाहर निकला हूँ और तू फिर से मुझसे जेल भेजने वाले काम करा रहा है। पर काला कांडी के बहुत कन्विंस करने के बाद छोटा छतरी मान जाता है और फिर वो दोनों उस ज्वेलरी शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ काला कांडी अपने साथ एक बैग लेके आता है जिसके अंदर उसने छोटा छतरी को छुपा रखा था। इसके बाद काला कांडी शॉप के मैनेजर के पास जाता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा छतरी किसी तरह उस डायमंड के पास पहुंच जाता है और उसके टेबल के नीचे से छेद करके उस डायमंड को चुरा लेता है। इसके बाद जब वो दोनों पतली गली पकड़ के वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बोलती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है। तभी हम देखते हैं कि छोटा छतरी ने डायमंड के साथ साथ उस बुढ़िया के कुत्ते को भी चुरा लिया था। अब वो दोनों बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है और उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर बुढ़िया चिल्लाने लगती है और बोलती है इस हरामखोर ने ही मेरा कुत्ता चुराया है। इधर शॉप के मैनेजर को भी पता चल जाता है कि उनका डायमंड चोरी हो गया है इसीलिए वो वहाँ पर पुलिस बुला लेती है। तभी काला कांडी और छोटा छतरी भागकर अपनी कार में बैठते हैं और उस कुत्ते को वहीं फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार खराब हो जाती है इसीलिए वो कार को वहीं छोड़कर पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पुलिस बुढ़िया से पूछताछ करती है कि वो चोर कैसा दिखता था, तो बुढ़िया बताती है कि वो चोर बिल्कुल डामर की तरह काला था। इसके बाद हम काला कांडी और छोटा छतरी को देखते हैं जो भागते हुए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं। वहीं कालिया और चुटकी भी शॉपिंग कर रहे थे और उनको देखते ही छोटा छतरी भागते हुए उनके पास जाता है और उस डायमंड को पुलिस से बचाने के लिए वो उसे चुटकी के बैग में डाल देता है। इसके बाद हम चुटकी और कालिया को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे काला कांडी और छोटा छतरी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह उन्हें वो डायमंड हासिल करना ही है। तभी काला कांडी को एक आइडिया आता है और वो छोटा छतरी को बच्चा बनकर उनके बीच में जाने को बोलता है ताकि मौका मिलने पे वो डायमंड को वहाँ से वापस ला सके, पर छोटा छतरी को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो काला कांडी को मना कर देता है। पर तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि काला कांडी छोटा छतरी को जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेता है और उसे एक टोकरी में डालकर उसे काले और चुटकी के घर के बाहर रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कालिया घर से बाहर आता है तो वो छोटा छतरी को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि कोई हरामखोर इतने प्यारे बच्चे को हमारे घर के बाहर छोड़कर चला गया। इसके बाद वो छोटा छतरी को उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है और चुटकी के साथ मिलकर उसका डायपर चेंज करने लगता है, लेकिन तभी वो सभी छोटा छतरी के छतरी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी छतरी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। अब वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बच्चे का क्या करे, इसीलिए चुटकी चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है ताकि वो लोग आके इसे यहाँ से ले जाए, लेकिन चाइल्ड केयर वालों की आज छुट्टी थी इसीलिए उसे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी चुटकी के फादर उसे बोलते हैं कि इसे जहाँ से उठाया है वहीं हम इसे रख देते हैं, पर क्योंकि चुटकी उस बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ना चाहती है इसीलिए वो सीधा पुलिस को कॉल करने लगती है। पर तभी पुलिस का नाम सुनते ही छोटा छतरी की फटके 64 हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि अगर पुलिस वहाँ पर आ गई तो वो उसे पहचान लेगी और उठाकर वापस जेल में डाल देगी। इधर काली और चुटकी उसे रोते हुए देखकर सोचने लगते हैं कि शायद ये बीमार है इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर छोटा छतरी को चेक करता है और देखता है उसके शरीर पर बहुत सारे कट और टैटू के निशान बने हुए हैं। अब डॉक्टर को छोटा छतरी में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, पर तभी चुटकी और कालिया उसे बोलते हैं कि शायद इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे हैं और उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। अब जब वो लोग ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं तभी छोटा
छतरी चुटकी के बैग को उठा के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसे बच्चा समझकर वापस काले और चुटकी के पास ले जाता है। अब चुटकी उस पुलिस वाले को सारी बातें बताने लगती है, पर तभी छोटा छतरी चुटकी को मॉम कहकर पुकारने लगता है, जिसको सुनकर चुटकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो पुलिस को कुछ नहीं बताती और इसके साथ ही वो छोटा छतरी को अपने पास रख लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम टट्टू लाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर होता है और उसने ही काला कांडी को डायमंड चुराने का काम दिया होता है, लेकिन अभी तक काला कांडी ने उसका काम पूरा नहीं किया। इसीलिए टट्टू लाल उसे धमकी देता है कि अगर 7 दिनों में उसने वो डायमंड लाकर नहीं दिया तो वो उसके पिछवाड़े को खोलकर उसका चबूतरा बना देगा। वहीं दूसरी तरफ हम चुटकी को देखते हैं जो कि छोटा छतरी से मिलाने के लिए अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है, लेकिन जब वो सभी औरतें छोटा छतरी को देखती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि छोटा छतरी बाकी बच्चों की तरह नहीं था। इसके बाद चुटकी अपनी सहेलियों को लेकर किचन में जाती है जहाँ पर छोटा छतरी उसकी एक सहेली को गंदी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद वो उसकी सहेली के पास जाता है और उसे गोदी में उठाने के लिए बोलता है। फिर जब वो औरत उसे अपनी गोदी में उठाती है तो छोटा छतरी उसके दोनों संतरों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो संतरे बहुत ज्यादा बड़े थे इसीलिए वो छोटा छतरी के हाथ में नहीं आ पाते। दूसरी तरफ चुटकी को लगता है कि शायद इसे भूख लगी है और वो दूध पीना चाहता है, इसीलिए चुटकी अपनी एक सहेली को उसे माँ का दूध पिलाने के लिए बोलती है। अब तो छोटा छतरी की चांदी हो गई थी और वो दबा दबा कर दोनों संतरों को निचोड़ने लगता है। फिर कुछ देर मस्ती करने के बाद जब वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो एक एक करके छोटा छतरी को किस करने लगते हैं, लेकिन छोटा छतरी ये मौका भी नहीं छोड़ता और वो इमरान हाशमी की तरह उनके होठों को पूरी तरह चूस डालता है। फिर थोड़ी देर बाद चुटकी उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके कपड़े चेंज करके उसे सुला देती है। फिर आधी रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो छोटा छतरी उस हीरे को ढूंढने लगता है और साथ ही वो काला कांडी को भी फोन करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चुटकी का बाप उठ जाता है और वो उसको चोर समझकर उस पे गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर कालिया आ जाता है और वो अपने ससुर को समझाकर छोटा छतरी को वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन जब चुटकी नींद से उठती है तो वो कालिया को पूरी रात बिना रुके घचाघच करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी कालिया उसे बताता है कि मैंने तो कल रात तुम्हारे साथ घचाघच किया ही नहीं। अब यहाँ पर कालिया को कुछ समझ नहीं आता, पर हम व्यूवर्स अच्छी तरह समझ जाते हैं कि कल रात छोटा छतरी ने दबा दबा कर चुटकी के साथ घचाघच किया है। फिर इसके कुछ देर बाद चुटकी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि घर चलाने के लिए सिर्फ चुटकी ही काम करती है और वहीं उसका हस्बैंड पूरे दिन घर पर सोता रहता है। लेकिन इस बार वो छोटा छतरी को घुमाने के लिए पार्क में लेके जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा छतरी के पास काला कांडी आता है और छोटा छतरी उसे बताता है कि टेबल के ऊपर जो बैग रखा है उसी के अंदर डायमंड है। फिर जब काला कांडी उस बैग को चुराने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 बैग है। अब ये देखकर काला कांडी काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो किसी एक बैग को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर काला कांडी उस बैग को लेकर टट्टू लाल के पास जाता है और बताता है कि डायमंड इसी में ही रखा है, लेकिन जब टट्टू लाल उस बैग को खोलता है तो उसे वहाँ गंदे डायपर और खिलौनों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब ये देखकर टट्टू लाल और भी गुस्सा हो जाता है और वो काला कांडी को पकड़कर वहीं पर ही पेलने लगता है। इसके बाद हम कालिया को देखते हैं जो छोटा छतरी को लेकर एक मैच देखने आया होता है। तभी मौका मिलते छोटा छतरी उस डायमंड को चुरा लेता है और इससे पहले कि कालिया उसे देखे वो उस डायमंड को निगल जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कालिया छोटा छतरी के आने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ पर सभी लोग छोटा छतरी के लिए बहुत सारे गिफ्ट और खिलौने लाते हैं। तभी वहाँ पर चुटकी के डैड भी आते हैं और वो छोटा छतरी को एक टेडी बेयर गिफ्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टट्टू लाल को देखते हैं जो छोटा छतरी के घर के बाहर उस पे नजर रख रहा होता है। वहीं डायमंड निकलने की वजह से छोटा छतरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो दर्द कम करने के लिए कैस्टर ऑयल पी लेता है, लेकिन इससे उसका दर्द कम नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी सीन यहाँ से स्विच होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन चुटकी को छोटा छतरी के डायपर में वही डायमंड मिलता है जिसको पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है शायद ये डायमंड कालिया ने उसे गिफ्ट दिया है, इसीलिए वो उससे इम्प्रेस होकर उसके साथ रात को डेट पर चली जाती है। अब घर पे सिर्फ बूढ़ा आदमी और छोटा छतरी अकेले थे और तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी छोटा छतरी को उठाकर नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। दरअसल उस बूढ़े ने टीवी में देख लिया था कि छोटा छतरी एक चोर है और वो दिखने में बिल्कुल बच्चे की तरह है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर चुटकी और कालिया भी आ जाते हैं और वो बूढ़े को छोटा छतरी को मारते हुए देख लेते हैं। अब चुटकी को लगता है कि शायद उसका बाप पागल हो गया है, इसीलिए वो अपने बाप को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। वहीं कालिया जब उस टेडी बेयर को देख रहा होता है तो उसे उसमें से एक कैमरा मिलता है जिसको चुटकी के बाप ने छोटा छतरी पर नजर रखने के लिए लगाया था। फिर उस कैमरा के फुटेज देखने के बाद कालिया को भी पता चल जाता है कि छोटा छतरी कोई बच्चा नहीं है, जिसके बाद वो उसे घर में ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि छोटा छतरी काला कांडी के साथ वो डायमंड लेके वहाँ से निकल चुका है और फिर रास्ते में काला कांडी उसे बताता है कि आज रात टट्टू लाल कालिया और चुटकी के घर पे हमला करने का प्लान बना रहा है। लेकिन तभी ये सुनकर छोटा छतरी उसे वापस चलने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो कालिया से इमोशनली अटैच हो चुका
चुका था और वो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वहीं घर पर हम टट्टू लाल को देखते हैं जो कालिया के पास आके उसे उस डायमंड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कालिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद टट्टू लाल कालिया को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर छोटा छतरी आ जाता है और वो टट्टू लाल और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो टट्टू लाल और उसके साथियों को वहाँ से ले जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि छोटा छतरी वो घर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी कालिया उसे वहाँ से जाने से रोक लेता है और अपने साथी रहने के लिए बोलता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चुटकी को एक लड़का होता है जो दिखने में बिल्कुल छोटा छतरी की तरह था। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।